टी वाई बिकॉम सेमेस्टर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी है, लेटेस्ट एडिशन है। इसके अंदर मैंने पेपर का भी क्वेश्चन निकाल के रखा है, ये पेपर है 2022 का है, अक्टूबर 2022 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स न्यू कोर्स। अब इसका एक क्वेश्चन है यूनिट 3 का है, ए और बी फाइंड ए एंड बी सिमिलर सम है, मैंने सिमिलर सम सॉल्व किया है, पेज नंबर 108 पे 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ए और बी दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में और ये बी, फाइंड करना है ए बी। तो अब हम फाइंड करेंगे ए बी, ए बी की सिंपल मेथड है मैट्रिक्स एलजेब्रिक्स यूनिट 3 पेज नंबर 106 बिकम सेम 5, ए इज इक्वल टू 4635 माइनस 27 और बी इज इक्वल टू 25784 माइनस 3। अब इसका सिंपल फॉर्मूला है, पहले ए बी फाइंड करना है और बी ए, इलस्ट्रेशन में भी दिया है, वैसे भी मैं समझा देती हूँ अच्छे से। अभी जो ए बी फाइंड करना है ये, तो अब ये फाइंड होगा 4 5 और ये ऐसे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये इन दोनों को ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है 4, फिर 6 और 2 के साथ सेम करना है, फिर 3 और 7 के साथ सेम करना है, ये रहा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, ये जो ऐसे लिखेंगे ना ये ऐसे, इन दोनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे, ये ऐसे समझा दिया है। अब मैं आपको इसका एक फॉर्मूला दिखाती हूँ, ये जब चैप्टर में दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो ये 2 मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये रहा ए और बी वाला जैसे ऐसे 4 और 5, 3 और 0, 7 और 4 की पेयर और ये ऐसे पेयर बन गई, और फिर इनको ऐसे मल्टीप्लाई प्लस वाला करना है, ये जो सम है वैसे भी सिमिलरली है, ए बी का ऐसे फाइंड करना है, फिर इन दोनों 4 मल्टीप्लाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई 8 40, ये 8 प्लस 40 48, 12 माइनस 16 माइनस 4, 56 प्लस 6 62, 20 प्लस 20 40, 30 माइनस 8 22, 15 प्लस 28 43, ऐसे ही ये जो है ये है, ये वाला है और ये वाला है। अब इसका कैसे बनेगा, ये तीन और ये तीन का ऐसे, अब ए बी तो हो गया, अब बी ए करना है, बी ए के लिए हमको निकालना है ऐसे और ये ऐसे, 257 की पेयर बनेगी, 463 की पेयर बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 7 मल्टीप्लाई 7, ये रहा जैसे मैंने बोला। अब इन इसकी पेयर पहले इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, 8 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, अब 8 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 7, अब इन दोनों को ऐड करना है इन सबको, तो ये डिजिट होगी 8 प्लस 30 प्लस 21 आया 59, 32 प्लस 24 माइनस 9 47, 10 प्लस माइनस 10 प्लस 49 49, 40 माइनस 8 माइनस 21 आंसर आया 11। सिमिलर सम 2022 में पूछा था HNU के कोर्स में, सिर्फ डिजिट का चेंज है, अगर आप बोलो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू, डू कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब।